नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज टीवी। तो आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। महू शहर की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत रंगोत्सव 2022 रंगीन रंगोली प्रतियोगिता आज शहर में आयोजित की गई है। रंगोली प्रतियोगिता का उत्साह देखते ही बन रहा था। रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी आज सुबह 3 बजे से ही अपनी अपनी जगह रंगोली बनाने में जुट गए। जहां एक तरफ महिला व बच्चे रंगोली बना रहे थे, वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागी भी रंगोली बनाने में कम नहीं रहे। किसी ने रंगों से बना दिया चारों धाम, तो किसी ने रंगों से सजा दिया राधा कृष्ण का दरबार। यही नहीं, रंगों से देशभक्ति का अलख भी जगाकर प्रतिभागी नजर आते रहे। आज सुबह से ही प्रतिभागी भिन्न भिन्न तरह की रंगोली बना रहे थे। इस रंग उत्सव में 2022 में प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000, तृतीय पुरस्कार 11,000 है। शहर की विरासत रही धूक पड़वा का देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा रहती है। रंगोत्सव 2022 में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्पर्धा संयोजक सुचित बंसल एवं उनकी टीम सुबह से ही पूरे शहर में भ्रमण कर रंगोलियां बनाने वाले प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन कर रहे थे। रंगोत्सव प्रतियोगिताओं ने अपनी अंगुलियों में रंगों के साथ रंगोली में रंगों के साथ किसी ने ड्राई फ्रूट्स तो किसी ने अन्य अपनी तरह से रंगोली को सजाया था। अलग अलग प्रतिभागियों ने अलग अलग तरह की अलख जगाती हुई किसी ने रायपुर के ड्राई फ्रूट्स से व बाबा खाटू श्याम का शिष्य व दरबार सजाया। वहीं कुछ प्रतिभागियों ने विभिन्न विभिन्न फूलों से रंगोली सजाकर फूलों का महत्व बढ़ाया एवं प्रतिभागी ने सब्जी में उपयोग होने वाले गरम मसाले का उपयोग जैसे ही लोग काली मिर्च धनिया से बनाई हुई रंगोली बनाई। प्रतिभागियों ने मानो अपने मन की सारी भावनाओं को रंगोली के माध्यम से उकेर दिया था। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। रंगोत्सव में क्या आयोजन देखा गया और क्या कैसा सक्सेस रहा है, कितने प्रतिभागी रहे और क्या क्या थीम रही? ये महू की सांस्कृतिक परंपरा है धूप पड़वा, जो विश्व प्रसिद्ध है कि केवल महू में ही इतने उल्लास से मनाई जाती है। इसी को जीवंत रूप देने के लिए रंगोत्सव टीम ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करा गया है। इसमें हमारे आज 250 प्रतिभागी हैं। इस बार रंगोत्सव 2022 में अपनी इस प्रतियोगिता को दो वर्गों में संचालित किया है। पहला वर्ग जो है वो बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से 12 वर्ष लेकर के, और दूसरा वर्ग जो है वो बड़ों के लिए है, 13 वर्ष से ऊपर। इसमें प्रथम पुरस्कार जो है बड़ों में 51,000, 21,000 द्वितीय और 11,000 तृतीय, और 10 सांत्वना पुरस्कार है। वहीं बच्चों में 5100 रुपये प्रथम पुरस्कार, 2100 रुपये द्वितीय पुरस्कार और 1100 रुपये तृतीय पुरस्कार के साथ 10 कॉन्सोलेशन प्राइजेस। इसी के साथ हमने दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता आयोजित करी है, जिसमें अगर आप अनुमान हमारे जजेस के निर्णय के साथ सही बताते हैं तो उनको भी 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार की ओर से दिया जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है महू शहर की जो सांस्कृतिक विरासत है धूप पड़वा, वो यूं ही निरंतर 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 चलती रहे। धूप पड़वा को समर्पित रंगोत्सव की ये टीम और रंगोत्सव का ये त्यौहार, रंगोत्सव 2022। धन्यवाद। थैंक यू।